कक्षा में 5 प्रश्न कर लिए थे, उसके आगे हम प्रश्न करेंगे। छठे प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है और क्यों? यहाँ सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, यह मनुष्य के संघर्ष न करके शीघ्र ही हताश हो जाने की प्रवृत्ति है। ये कब बोला जाता है? जब दोनों मित्र कह सकते हैं बैठते हैं एक जगह और कहते हैं कि भाई पैसा कैसे पैदा किया जाए या पैसा कैसे कमाया जाए, आजीविका कौन सी आजीविका ऐसी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और काम कम करना पड़े। और जब वो दोनों ही सवाल के पीछे पड़ते हैं, दोनों ही खींचातानी करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके पैर ज़मीन में गहरे पड़े हैं। इसका मतलब है मनुष्य जो है अपने भाग्य को कोसने लगता है, कर्म करने में वो पीछे हटता है, संघर्ष ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा से लाभ हो जाए, मेहनत किए बगैर उसे सब कुछ मिल जाए, इस तरह की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। वो बहुत ही जल्दी जब उसे उसके अनुसार सब चीज़ें नहीं मिलती तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी हताश होने लगता है। इस प्रवृत्ति को दिखाया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य जो है सब चीज़ें बहुत सरलता से चाहता है। वो चाहता है कि क्लास 12th में एक शेर है फिराक गोरखपुरी का, बच्चों मैंने पढ़ाया था, वो कहते हैं हम हो या किस्मत हमारी, दोनों को एक काम मिला, किस्मत हम पे रोले या हम किस्मत पे रोले। मतलब मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, कैसा भाग्य है कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि वो कर्महीन बन गया है और भाग्य इसलिए दुखी है कि कैसे कर्महीन, जो कर्म नहीं करना चाहता, सिर्फ सब कुछ भाग्य से प्राप्त कर लेना चाहता, ऐसे व्यक्ति का वह भाग्य बना। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि ज़मीन में गहरे तभी सवाल गढ़ते हैं जब हम उन सवालों के साथ संघर्ष नहीं करते, हम उन्हें अपने जो जीवन है उसमें संघर्ष के बजाय आराम चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है, परसाई जी की इस रचना के आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में विचार व्यक्त करने आपको। ये बिल्कुल सही बोला कि व्यंग्य विधा में भाषा जो है धारदार, धारदार मतलब ऐसी कि पाठक के सीधे मन को छू जाए, और लेखक की भाषा में वह सभी हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से दो मित्रों के आपस में जो वार्तालाप दिखाई गई है, या भव्य जो एक सूरज छाप और जो बेच रहा है वो जिस तरह से भाषा का प्रयोग करता है, एक भय पैदा करता है, भव्य पुरुष की भाषा उसी के अनुकूल है, शालीन है और कुलीनता का उसमें मिश्रण है, वह भाषा बहुत सभ्य है, जैसा वो व्यक्ति है उसी अनुसार उसकी भाषा का प्रयोग है। और बीच बीच में जब दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं तो उस तरह की भाषा दिखाई गई है। तो यहाँ संवाद शैली को जब लिया गया है तो उसमें एक अनूठा रूप देखने को मिलता है। देखिए जैसे कुछ उदाहरण हैं, तुम शायद संन्यास ले रहे हो, जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हराम खोरी पर उतर आता है। ये कौन बोल रहा है? लेखक बोलते हैं उस टॉर्च बेचने वाले से। तो यहाँ उनकी भाषा उनकी स्थिति के अनुरूप है। फिर हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। यह संवाद तब होता है जब दोनों दोस्त पैसा कैसे पैदा करें उस पर चर्चा कर रहे होते हैं। फिर अगला संवाद, मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। देखिए त्रस्त तत्सम शब्द का प्रयोग, यहाँ भव्य पुरुष जब बोलता है तो उसकी भाषा उसी अनुकूल होती है। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है। मतलब यहाँ दोनों के ऊपर कटाक्ष कर दिया गया, चाहे वह एक अच्छा सभ्य गुरु की पदवी लेने वाला हो, धर्म का ज्ञाता बने या एक सामान्य मनुष्य, दोनों ही अगर डर दिखा रहे हैं तो वो अपने अपनी कंपनी को फ़ायदा कराना चाहते हैं। धंधा वही करूँगा यानी टॉर्च बेचूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। यहाँ पर एक कटाक्ष है किस पर? वह धर्म के ठेकेदारों पर, जो धर्म की व्याख्या अपने अनुसार करते हैं और लोगों को अपना अनुयायी बनाकर उनसे
धन एकत्रित करते हैं। वह कहता है कि अब मैं जगह जगह घूम घूम के टॉर्च नहीं बेचूंगा, अब मैं भी अपने मित्र के समान एक भव्य पुरुष बनूंगा और लोग मेरे आगे आके नतमस्तक होंगे, करबद्ध होकर खड़े होंगे और स्वयं ही पैसा मुझे देकर जाएंगे। मैं अब बस कंपनी बदल रहा हूँ। इस प्रकार अगर हम देखें तो परसाई जी की व्यंग्य भाषा में बहुत सहजता भी मिली हमें, सरलता भी मिली, भाषा का एक सुंदर कह सकते हैं रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखिए अगला क्या है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है? अगर ये है तो इसको आपको समझाना है। टॉर्च बेचने वाला क्या कर रहा था? लोगों को डर दिखा रहा था, भयभीत कर रहा था। और आजकल क्या कहता है, आजकल हर तरफ अंधेरा छाया है, रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं सूझता, तो वो क्या कर रहा है? पैसा कमाने के लिए मनुष्य को डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो। फिर क्या है बच्चे, इसी प्रकार आप इन पंक्तियों को भी व्याख्यायित करेंगे। और आप देखिए, लेखक ने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक दिया, क्यों फेंका ये भी आपको पता है और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। टॉर्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं, क्या इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? स्किल मतलब एक किस तरह की बातचीत, किस तरह की वाणी, किस तरह के संवाद उसमें लेते हैं, किस तरह से अपने चीज़ को आकर्षक बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है,